गाइस आज हम लोग बात करेंगे स्क्रू गेज को, यानी इसको हिंदी में बोलते हैं पेंच मापे, क्या बोलते हैं इंग्लिश में स्क्रू गेज, क्या बोलते हैं स्क्रू गेज। यानी गाइस यह स्क्रू गेज क्या है, इसे मान लो गाइस कोई पतला कंडक्टर है, कंडक्टर यानी हिंदी में चालक, मान लो कोई गाइस तार है, वायर है, तो उसका आप डायमीटर रेडियस आप निकाल सकते हैं। ऐसे मुझे इस कलम का निकालना है डायमीटर, तो आप कुछ भी ना करें, आप डायमीटर निकालने के लिए गाइस पे पहले तो आप इसको पुट कर लें, यानी कि रख लें, रखने के बाद ना इसको आप मूव करें, तो मूव करेंगे ना बाबू, इसको आप मूव कराएं, तो जैसे देखो मैं इसको मूव करा रहा हूँ, देखो मैं मूव करा रहा हूँ, इसमें से एक आवाज़ आएगी, जहाँ आवाज़ आए वहीं स्टॉप हो जाए, आवाज़ आए तो आप बारीकी सुनिएगा, अभी आवाज़ आएगी, सुनिएगा बारीकी से, आवाज आई वहीं पर स्टॉप हो जाए, स्टॉप होने पर इसकी रीडिंग चेक करें, रीडिंग ये रीडिंग कितना आया है, इसकी रीडिंग कितनी है, रीडिंग को देखो यहाँ लगभग 5-6-7 लगभग 7 मिलीमीटर, कितना आया 7 मिलीमीटर, इस 7 मिलीमीटर को आप लिख लें। एक काम एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार, मिनिमम कितने बार करना है, थ्री टाइम्स करना है, और थ्री टाइम्स मिनिमम करने के बाद गाइस उसका एवरेज निकालें। एवरेज का फार्मूला मैंने दिया ना, एवरेज निकालें, एवरेज का फार्मूला अभी मैं बता रहा था, सभी प्रश्नों का योग अपान में क्या कुल संख्या, जैसे मान लो तो गाइस जैसे एक आदमी 100 रुपया कमाता है, एक आदमी 200 कमाता है, एक आदमी 300 कमाता है, इसका एवरेज क्या होगा, तीनों को जो तीन से भाग दे दें, 100, 200, 300, 600 होता है, 600 में आप तीन से भाग दे कितना जाएगा 200, यानी उसकी एवरेज 200 होगी। तो गाइज अब आप पिंच मापे से मैं आपको प्रेडिक्ट करके दिखाऊंगा,